बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक इंजाम। आज हम इसमें पिछले लेक्चर से अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इफ़ एल्स के बारे में। तो आज हम देखेंगे हमारा अगला टॉपिक जो है वो है इसमें कि इफ़ एल्स इफ़ कैसे काम करते हैं, इफ़ एल्स इफ़, ठीक है। और इसका पहले सिंटेक्स हम देख लेते हैं या यूं कह लें कि इसका चलाने का तरीक़ाकार जो है वो ये है कि हम यूं करेंगे कि पहले लिखेंगे इफ़ और उसके बाद इसको यहाँ पे हम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। कंडीशन के बाद इसका ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा और ये हम कहेंगे स्टेटमेंट्स इफ़ कंडीशन becomes true। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाली स्टेटमेंट्स जो है ये चलाएगा और उसके बाद else और इसके बाद हम फिर if ले लेते हैं और फिर कंडीशन। पहले आपको याद होगा कि हम ये करते थे कि else के बाद जो है ब्लॉक स्टार्ट करके उसमें कोई कंडीशन वगैरह नहीं लगाते, सिर्फ ब्लॉक स्टार्ट किया और स्टेटमेंट दे दी। लेकिन अब if else if जो है उसमें यही होगा कि else के बाद हम फिर if देंगे, फिर कंडीशन देंगे और फिर इस कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में हम वो स्टेटमेंट्स जो है जो चलाना चाहते हैं इफ कंडीशन। यानी यूं है कि हम ये करेंगे कि एक कंडीशन को या एक स्टेटमेंट को मुख्तलिफ कंडीशंस के ज़रिए से चेक करेंगे कि हम चेक करेंगे कि हमने कंडीशन दी, अगर ये पहली कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाला काम करे। और आम तौर पर जो इसका होता है कंपाइलर होता है वो यही करता है कि अगर पहली कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो उसका हिस्सा ये ट्रू वाला चला देता है और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो वो फौरन किस पे जाता है, वो एल्स इफ पे चला जाता है। एल्स और इसके बाद फिर इफ आ जाता है, इसमें फिर कंडीशन आ जाती है। लेकिन आम तौर पर वो ये होता था कि जब हम अकेला एल्स देते हैं तो उसमें कंडीशन ट्रू होने की सूरत में एक ब्लॉक देते थे और फॉल्स होने की सूरत में दूसरा ब्लॉक। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ये सिलसिला देखें ऐसे ही चलता जाएगा जितनी बार मर्जी हम चाहें इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं और एंड पे फिर एल्स अकेला देंगे और वो स्टेटमेंट्स के अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है। फॉल्स से मुराद ये मतलब एक कंडीशन ही यहाँ पे होगी, इफ ऑल कंडीशंस बिकम्स फॉल्स, यानी उनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर क्या होगा, फिर ये एल्स वाला पार्ट ये प्रोग्राम चलाएगा। ये इसका तरीकाकार जो है वो इफ एल्स इफ का जो है ये कहलाता है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल के तौर पर हम जो अगर लेना चाहें कोई मिसाल लेना चाहें तो हम यूं ले सकते हैं, जैसे बहुत कॉमन सी एग्जांपल है और वो है हमारी रिजल्ट स्टेटमेंट या रिजल्ट कार्ड जिसे कहा जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसमें हम यही करते हैं कि अगर हम अपने परसेंटेज मार्क्स देते हैं या उसकी परसेंटेज देते हैं और अगर हमारी परसेंटेज पे हम डिफरेंट कंडीशंस लगाते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपके नाइन्थ के या टेंथ के या स्कूल के किसी भी रिजल्ट कार्ड पे ये मौजूद होता है कि अगर ये इतनी है परसेंटेज इसकी तो ये ग्रेड, इतनी है तो ये ग्रेड। तो उसमें हम एक ही बार ये सारी इफ एल्स इफ लगाएंगे और उस इस इफ एल्स इफ के थ्रू वो सारा का सारा काम जो है वो परफॉर्म करेगा। वो यानी एक कंडीशन के बाद वो जो भी उसका ग्रेड बनेगा वो उसको अप्लाई कर देगा, लगा देगा। तो आइए अब हम चलते हैं कोड ब्लॉक की तरफ और उसमें अपना ये प्रोग्राम बनाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, कंसोल एप्लीकेशन, ये सेम एज इट इज वेरी पुराने स्टेप्स हैं, इनको हम करते जाएंगे। यहाँ प्रोजेक्ट का नाम हम दे देते हैं इफ एल्स इफ, ठीक है जी, और नेक्स्ट और फिनिश। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ये फाइल आ गई। इसको हम कमेंट्स में चेंज कर देते और उसके बाद हम यहाँ पे यानी वही वाला काम करने लगे हैं कि फर्ज करें कि एक यूजर है वो अपनी मार्क्स परसेंटेज देता है किसी भी एक एग्जाम की, तो उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर उसको कैलकुलेट करके बताए कि उसका ग्रेड क्या बनता है। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं, मिसाल के तौर पर हम फ्लोट रख लेते हैं, फ्लोट टाइप वेरिएबल रख लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं परसेंट, ठीक है। और उसके बाद इसमें प्रिंट एफ और प्रिंट एफ में मैसेज दे देते हैं जी एंटर
योर मार्क्स परसेंटेज, मार्क्स की क्या परसेंटेज बनती है या क्या है, और स्कैन ऐप से वो हम एंट्री उसको देंगे। परसेंट डी, सॉरी परसेंट एफ होगा, ये फ्लोट है ना, परसेंट एफ कॉमा एंड परसेंट साइन और वेरिएबल का नाम परसेंट। ठीक है जी, ये पहला काम हमारा हो गया। अब इसमें थोड़ा सा आप कोई खूबसूरत सा बनाना चाहें तो हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि नेम ले लेते हैं उसका, या रोल नंबर भी ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर वेरिएबल रख लेते हैं रोल, और उसको हम यहाँ पे ये मैसेज भी साथ ही दे देते हैं प्रिंट एफ के जरिए से कि एंटर योर रोल नंबर, योर एग्जाम रोल नंबर। ठीक है, ये कह देते हैं। और उसके बाद हम इसमें स्कैन एफ इसका चलाएंगे, और इस स्कैन एफ में हम इसको कहते हैं जी ये अब आ जाएगा ये परसेंट डी, क्योंकि ये इंटीजर टाइप है, एम परसेंट साइन और रोल हमारे वेरिएबल का नाम। तो अब ये रोल नंबर और परसेंटेज दो चीजें हमने ले ली इससे। अब हम चलते हैं प्रोग्राम, वो इफ एल्स इफ की तरफ चलते हैं, जिससे ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम कैलकुलेट करेगा कि इसकी एवरेज क्या बने। उसके लिए हमें ऑलमोस्ट एक क्राइटेरिया सेट करने की जरूरत होती है। फिल वक्त हम उसको सपोज कर लेते हैं 80 से, 80% हम कहते हैं हमारा ए प्लस है, और फिर इसी तरह से नीचे चलते जाते हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं जी इफ परसेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, तो ब्लॉक स्टार्ट करें, और इस ब्लॉक के अंदर हम कहते हैं जी प्रिंट है योर, योर की बजाय हम कह दें ग्रेड इज ए प्लस। ठीक है जी, ये, और उसके बाद फिर एल्स इफ, फिर इसमें हम कह देते हैं कि परसेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 75 रख लेते हैं, और फिर ब्लॉक स्टार्ट करके इसमें कहते हैं कि प्रिंट एफ क्या करे जी, ग्रेड इज ए। फिर एल से, और फिर हम इसमें परसेंट पे ही कंडीशन लगाएंगे, परसेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 70 और ब्लॉक, और इसमें प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर वही ग्रेड का मैसेज देते हैं, ग्रेड इज आप दे देते हैं बी। ठीक है, फिर एल्स इफ, और इसमें हम कहते हैं जी परसेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 60 कर ले, और यहाँ पे प्रिंट एफ ग्रेड इज सी। ठीक है जी, सी के बाद डी दे देते हैं, ऐसे परसेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 50 पे ले जाए, तो इस पे हम कहते हैं जी प्रिंट एफ करें, और कह दे के ग्रेड कितना है जी डी, और 40। अगर हम कहते हैं कि अगर परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, तो ग्रेड जो होगा ग्रेड क्या होगा जी ई, और 40 के बाद फिर हम कह देते हैं चले एल्स इफ, बल्कि एल्स करते हैं, अब एल्स की बजाय ई के बाद हम डेफिनेटली एफ ही देंगे, तो हम अकेला एल्स दे देते हैं, और इसके अंदर हम इसको ब्लॉक स्टार्ट करके कहते हैं कि अगर इनमें से कोई भी ना हो तो फिर प्रिंट करके हमें मैसेज क्या दे दो कि ग्रेड क्या है, ग्रेड इज एफ। ठीक है, ये आ गया, और ये हमारी इफ का ब्लॉक जो है ये सारे के सारे एज इट इज
साथ ही साथ आपने देखा ये क्लोज होते थे। अच्छा, अब इसमें हम साथ यूं कर लेते हैं, छोटा सा एक प्रिंट एंड पे दे देते हैं, प्रिंटर बैकस्लैश एन न्यू लाइन पे चला जाए और नोट एफ ग्रेड स्टूडेंट्स विल रीअपीयर इन एग्जाम इन नेक्स्ट एग्जाम पेज। ये हमने कर दिया। अब इसको हम एक बार पहले सेव कर लें, सेव करने के बाद इसको चला के देखते। जी ये कह रहा है रोल नंबर, जैसे हम कह देते हैं कोई भी 234 एक रोल नंबर है और मार्क्स परसेंटेज हम कहते हैं जी इसकी मिसाल के तौर पर 82। तो ये देखें उसने सिंपली कह दिया है ग्रेड इज ए प्लस, लेकिन साथ साथ नोट नीचे जो हमने एंड कर दिया वो भी आ गया एफ ग्रेड स्टूडेंट्स विल रीअपीयर नेक्स्ट एग्जाम। दोबारा से चेक करें, ये तो इसने ए प्लस दे दिया, बी को चेक करके देख, कोई सा भी रोल नंबर दे के, बी हमने 70 या उससे ऊपर रखा है तो हम 73 कर दे और वो देखो बी आ गया। ए को भी चेक कर सकते हैं, ए हमने कहाँ पर रखा है 75 पर रखा हुआ, ठीक है जरा चेक करें कि अगर 75 से ज्यादा है तो फिर करके देखते हैं, तो 75 ही कर दे। चलो ये देख ए आ गया। तो इस तरह से ये सारे, अब लास्ट पे हम करके देखें अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज हम देते हैं 33 फॉर एग्जांपल, वो देखो आ गया ग्रेड इज एफ और साथ ही साथ मैसेज आ गया कि एफ ग्रेड स्टूडेंट्स विल रीअपीयर इन नेक्स्ट एग्जाम। तो ये था हमारा आज का काम, आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।